हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज के इस वीडियो में मैं लहसुन छीलने का एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे कि आप बहुत ही कम समय में ढेर सारे लहसुन बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर कीजिए। यहाँ पर मैंने करीब 500 ग्राम लहसुन लिया है। सबसे पहले हम लहसुन से इनकी कलियों को अलग करेंगे। एक एक करके हम सारी कलियों को हम अलग कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसको हाथ से हल्का सा रगड़ देंगे जिससे कि जो लहसुन के ऊपर जो छिलका लगा हुआ है वो अलग हो जाए और फिर इसको हम उसे साफ करेंगे। लहसुन से छिलका जब साफ हो जाएगा फिर हम इसमें 2 चम्मच तेल इसको डालेंगे और साथ ही साथ 2 चम्मच पानी इसको भी डाल करके हमें पूरे लहसुन में तेल और पानी को अच्छे से मिलाना है। और फिर जब ये बराबर लहसुन में मिल जाए फिर हम इस लहसुन को 3 से 4 घंटे के लिए करीब धूप में डालेंगे। 4 घंटे के बाद हम अपने इस लहसुन को धीरे धीरे रगड़ेंगे और जब हम लहसुन को रगड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनका छिलका बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। छिलका अलग हो जाने के बाद हम इन लहसुन को फिर से साफ करेंगे और छिलका अलग करेंगे। इस यहाँ पर मैंने प्लेट से छिलके को साफ किया है। छिलके को साफ करने के लिए आप अपने तरीके को भी यूज़ कर सकती हैं। जब ये छिलका साफ हो जाता है फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो लहसुन है इसमें कुछ लहसुन तो छिल गए हैं और कुछ नहीं छिले हैं। तो जो छिले हुए लहसुन हैं हम उनको बीन लेंगे और उन्हें हम अलग कर लेंगे। इस तरह से एक एक करके हम सारे लहसुनों को अलग कर लेंगे। इस तरह से एक बार में करीब हमारे इतने लहसुन साफ हो चुके हैं और जो लहसुन हमारे नहीं साफ हुए हैं और फिर इनको हम एक बाउल में डाल लेंगे। इसके बाद हमें इसमें फिर से 1 चम्मच तेल मिलाना है और उन्हें लहसुन में फिर से मिलाएंगे। धीरे धीरे करके हमें फिर से लहसुनों को रगड़ना है। जैसे हमने पहले लहसुन को रगड़ा था उसी तरह से हमें फिर से लहसुन को रगड़ना है और हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे इसमें जो छिलके हैं वो अलग हो जाते हैं। जब हमारे छिलके अलग हो जाएंगे तो हमें फिर से पहले की तरह लहसुन को साफ करना है और फिर जो लहसुन साफ हो चुके हैं उन्हें हम फिर से बीन लेंगे। इसी तरह से जब तक हमारे सारे लहसुन साफ नहीं हो जाएंगे हमें यही प्रक्रिया करनी है। तो इस तरह से हमारे सारे लहसुन साफ हो जाते हैं। आप भी इस ट्रिक को अपनाएं और चाहे जितने लहसुन हो सबको बड़ी आसानी से साफ करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को